अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज अ लेमन बॉटल। ये शेजो वालों का एक नया प्रोडक्ट जो यहाँ पे लॉन्च किया है, लेमन बॉटल, दैट्स अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्रोडक्ट में नेचुरल सारी चीजें हैं, राइबोफ्लेविन, लेसिथिन एंड ब्रोमेलिन। ये बेसिकली फैट डिजोल्विंग है और इसका एडवांटेज आम फैट डिजोल्विंग इंजेक्शन से ये है कि स्वेलिंग नहीं करता और डाउन टाइम नहीं है पेशेंट का। मोस्टली पेशेंट जो कहते हैं कि स्वेलिंग, और सेकेंडली पेन नहीं होती। आई होप यू कैन सी मी नाउ। पहले हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। अच्छा, इसको है कि इसके कुछ प्रोटोकॉल है, हमने 7 to 10 डे के बाद लाजमी इसको रिपीट करना है। और कितने सेशन लगेंगे, ये पेशेंट की अकॉर्डिंग टू फैट थिकनेस है। 3 to 5 सेशन भी लग सकते हैं। आइडियली पेशेंट की फास्टिंग होनी चाहिए कुछ आवर्स के लिए, और कराने के बाद भी फास्टिंग होनी चाहिए। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि मुकम्मल ही कुछ ना खाए, मगर लो कार्ब एंड लो फैट डाइट हो। वजह ये है कि नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो हमारे कार्ब ज्यादा होते हैं और हमें ग्लूकोज जो एनर्जी मिलती है वो कार्ब के टूटने से मिलती है, जो ग्लूकोज के टूटने से हमें एनर्जी मिल जाती है। अब क्योंकि जब हम इसको ऑलरेडी फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें जब ये टूटे तो हमें इससे एनर्जी मिले। ऊपर से हम फास्टिंग कर रहे होंगे तो हमारा जो फास्ट भी होगा ना, फास्ट में हमारा फैट जिस्म का वैसे भी वो एनर्जी बिल्ड करता है, उससे हमें एनर्जी मिले बजाय कि हमें कार्ब से मिले। तो जब हमने ये काम करना है तो पेशेंट को कहना है कि कुछ आवर के लिए तो फास्टिंग रखे बिफोर एंड आफ्टर, और आइडियली नेक्स्ट 2 डेज वो लो कार्ब एंड लो फैट डाइट ले और प्रोटीन ज्यादा ले ले, उसके साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले ले। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पहले मार्किंग दिखाती हूँ। हमारे पास मार्किंग में बॉडी ऑफ मैंडिबल, ये बॉडी ऑफ मैंडिबल है, मैं इसको मार्क कर रही हूँ, ये बॉडी ऑफ मैंडिबल है, ये मैं बॉडी ऑफ मैंडिबल के साथ साथ मार्क कर रही हूँ। ये एंगल ऑफ मैंडिबल है, ये यहां तक जा रही हूँ। ठीक है, इधर भी एंगल ऑफ मैंडिबल है, मैं यहां तक जा रही हूँ। ऊपर करें नीचे थायराइड कार्टिलेज से ऊपर हायोड बोन तक आना है। हायोड बोन इनकी यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज से ऊपर हमने रहना है। ये जो ठीक है ये एरिया है, अब इस एरिया में मैक्सिमम फैट इधर होता है, थोड़ा इधर है, तो मैंने मैक्सिमम एरिया इधर यूज करना है। अच्छा, अब इसमें हम नॉर्मली हमें इसमें एक वाइल लग जाएगी, 10 हमें जो 10 की वाइल आती है ना, इसमें 10 cc आई थिंक 10 ml है जी, ये पूरी लग जाएगी एक वक्त में। मगर अगर किसी पेशेंट की फैट कम है तो आप थोड़ा कम भी लगा सकते हो, मगर 5 cc काफी कम है। नीडल क्या यूज करनी है पेशेंट की फैट पे डिपेंड करता है। ये इंसुलिन सिरिंज इनके तो है, शायद इंसुलिन सिरिंज से भी हो जाए, मगर जिसकी फैट ज्यादा है वहां पे इंसुलिन सिरिंज काम नहीं करेगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी नीडल है, ये मैंने यूज की है, यहाँ पे नजर आ रही है, ये वाले जो 1 cc वाली नीडल आती है ना, ये सरेंज आ रही है 1 cc की सरेंज, इसके साथ 27 गेज की नीडल लगी हुई है। मैं यहाँ के लिए 27 गेज भी यूज कर सकती हूँ, मगर दैट विल बी क्वाइट पेनफुल फॉर द पेशेंट। मैं इसमें डाल रही हूँ ये 30 गेज की नीडल अलग आती है, इसकी लेंथ लंबी है, ये 13 to 15 mm के करीब होती है, इंसुलिन सरिंज से ज्यादा वाली है नीडल, मैं इसके साथ ये अटैच करूंगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप 3 cc या 5 cc की सिरिंज ले लें, उसके आगे वो नीडल यूज कर सकते हैं। बॉडी के लिए आपको फिर यही नीडल यूज करनी पड़ेगी जो इसके साथ ओरिजिनल आती है। ठीक है, अब मार्किंग करके दिखाते हैं। मार्किंग के 2 तरीके हैं इसमें, 1 1.52 cm डिस्टेंस से आप मार्क भी लगा सकते हैं और ग्रिड भी बना सकते हैं। मैं ग्रिड बना लेती हूँ, ग्रिड मुझे ईजी लगता है। ठीक है, अंदाजन मैंने ग्रिड बनाए हैं, ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर एक मार्क लगा दूंगी ताकि मुझे इधर से पता चल जाए कि मैं कहाँ पे हूँ। अंदाजन 1.5 to 2 cm के मैंने ग्रिड्स बनाए हैं, मैं इनके अंदर लगाती जाऊंगी। कम से कम भी 0.5, मतलब जो नीडल का 0.5 होते हैं ना, उतना कम से कम एक एरिया में जाना चाहिए, 0.5 to 0.7, इवन कुछ जगह पे 1 भी डाल सकते हैं आप, एग्जैक्टली 1 cc भी एक एरिया पे डाल सकते हैं। मैं भी आपको डाल के दिखाती हूँ। एक तरफ से शुरू कर दें ताकि भूले ना, फर्स्ट ऊपर के ग्रिड से स्टार्ट कर लेते हैं। एरिया को पकड़ना है ऐसे, फैट को ऐसे पकड़ना है ताकि हाथ में फैट आ जाए। ठीक है, डीप लगाना है,
ताकि मैं इनका यहाँ पे इतना फैट नहीं तो इनको मैं थोड़ा लगा रही, वरना 0.5 मिनिमम लगाना चाहिए। पेड़ निकाल के देने, यहाँ पे फैट ज्यादा है, यहाँ मैंने लगाया इनको। ये निकाल के देंगे मुझे सर। क्या मैं दोबारा लगा रही हूँ सर मैडम, आपने अपना? कोई इसमें नमिंग जेल वगैरह यूज की पहले इसमें जी या सर। विदाउट नमिंग जेल? अच्छा, मैंने नमिंग जेल यूज मैंने किया बस आपने? नंबिंग क्रीम लगाई है। नंबिंग क्रीम लगा लेनी चाहिए क्योंकि सरिंज का पेन तो एटलीस्ट जब हम अंदर नीडल घुसाते हैं उसकी पेन तो कम हो। बाकी आइसिंग भी कर सकते हैं, आइसिंग से भी नंबिंग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बस फिनिश, खत्म, आपका आखिरी रह गया, डन। अब मुझे जहाँ फैट ज्यादा लग रही है मैं थोड़ा और डाल रही हूँ, वहां पे ये सेंटर एरिया इनका ज्यादा है, मैं यहाँ पे थोड़ा और डाल रही हूँ इनको। आपने इस पेशेंट में कितने ML यूज किया है तकरीबन? सर वैसे आइडियली तो 10 ml करना चाहिए, मेरे पास एक्चुअली इस वक्त था ही 6 ml, तो मैंने 6 यूज किया इसमें। अच्छा, अब मैंने जब कर लिया है बस, अब आई शुड गिव इट अ मसाज के मैं इसको स्प्रेड करूं इवनली और मैं फैला दूं, अगर जहां नहीं गया तो ये वहां भी जाए। मैडम, इसकी और काइबेला के इंजेक्शन के अगर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बता दें, क्वांटिटी कितनी कितनी, उसमें पेन होगा इसमें नहीं होगा, ये दो चार पॉइंट बता दें अगर। अच्छा, लेमन बॉटल और अदर फैट डिसॉल्विंग जो कि एक्वालेक्स पे हैं, काइबेला हैं, फैट एक्स हैं, ये मैंने सब लगाए हुए हैं, सारे ठीक हैं, सारे काम करते हैं। उनमें पेन काफी, डिऑक्सीकॉलिक एसिड में पेन बहुत होती है व्हेन यू इंजेक्ट इट, और पेशेंट अक्सर आधे रास्ते में ही रुक जाता है, कहता है मुझे और मत लगाएं क्योंकि काफी पेन हो रही होती है उनको। उसमें ये किया जा सकता है कि जाइलोकेन को आप एक इंसुलिन सिरिंज के अंदर, जब आप 10 cc 10 उसमें आप आपका एक होता है ना 1 cc है, जब आप इंसुलिन सिरिंज में भरते हैं तो उसमें आप 0.2 लिग्नोकेन डाल सकते हैं, मगर इसमें आपके सामने है कि पेन पेशेंट को इतनी नहीं है, सिर्फ नीडल की पेन हो रही है। तो ब्लेबन बॉटल का ये फायदा है कि इसमें पेन नहीं होती, सेकेंडली स्वेलिंग बहुत कम आती है, ना होने के बराबर, पेशेंट अगले दिन नेक्स्ट डे अपने काम पे जा सकता है। अच्छा, अब पेशेंट को हमने बताना भी है कि वो 1-2 दिन तक अपने आप को ऐसे मसाज करता रहे, और आइडियली शुरू में तो आप हम कोल्ड कंप्रेस देंगे ताकि पेशेंट को दर्द ना हो, मगर वैसे पेशेंट आप इसको करें, अपने आप करें, आपका हो गया, खेती जाए, वैसे पेशेंट घर पे जाके वार्म कंप्रेस स्टार्ट कर दे ताकि स्प्रेड होना शुरू हो जाए। जैसे मैडम फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन में अगर सुपरफिशियल ज्यादा लगाएं तो नेक्रोसिस वगैरह के चांस हैं, तो इसके भी जी हैं? इंशाल्लाह लगता ही नहीं है, जब आपने स्किन को ऐसे पकड़ा, ऐसे उठाया, नीडल 90 डिग्री पे डाली, निक्रोसिस नहीं होगा, आपने वैसे ही सबकुटेनियस टिश्यू में ही चले जाना है, देयर इज नो रिस्क ओवर देयर। हाँ, मैं इसको अगर ऐसे लैटरली या 45 डिग्री पे डाल रही हूँ तो फिर प्रॉब्लम है, मैंने स्किन को उठाना है, ऐसे उठाना है और मैंने सीधा 90 डिग्री पे डाल देना है इसको। और जो लोग मैडम आईफू और इसको कंबाइन करते हैं लेमन बाटल को, जी सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं दो से एक सेशन कर लें आप फैट डिसॉल्व का, फिर 10 दिन बाद फैट डिसॉल्व का दोबारा सेशन कर लें, थर्ड सेशन करना चाहते हैं कर लें, नहीं तो आप हाइफू ऐड कर सकते हैं। हाइफू का बड़ा फायदा होगा क्योंकि वहां से स्किन टाइटनिंग भी हो जाती है और वो भी फैट इटसेल्फ डिसॉल्व करता है। जरूरी नहीं है कि हाइफू आप बाद में करें, हाइफू पहले भी कर सकते हैं, ये आपस में आगे पीछे कर सकते हैं, इसकी कोई तरतीब नहीं है। वेरी गुड कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा काम करता है ये कॉम्बिनेशन। इसमें लोग बार बार पूछ रहे हैं रिपीट वाला, मेरे ख्याल में आपने बताया हुआ 1 वीक के बाद रिपीट करना है। रिपीट सेशन कब? जी सर, आप पूछ रहे हैं कि रिपीट सेशन कब होगा?
जी मैडम, टोटल बता दें, वैसे टोटल वही आपने बताया कि डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर, लेकिन आप जी 1 वीकली पेशेंट को बुलाते रहेंगे। जी सर, जो कंपनी क्लेम करती है, जो लेमन पॉटेंट के ऑफिशियल जो कंपनी क्लेम करती है, वो 7 डेज करती है, रफली वी कैन टेक 7 to 10 डेज। और आपके एक्सपीरियंस में एक कितने सेशन आपने एक पेशेंट दूसरे तीसरे सेशन में बेहतर हो जाता है, क्या सूरत हाल है, डिपेंड क्या करता सर है? मेरा लेमन बॉटल में अभी इतना तजर्बा नहीं है, मैंने सिर्फ 2 या 3 पेशेंट्स अभी, क्योंकि रिसेंट लॉन्च है, और एक सेशन के बाद ही पेशेंट को फर्क नजर आना शुरू हो जाता है, प्रोवाइडेड के कितना डाला गया। अगर आप सिर्फ इसमें 3 cc या 5 cc डालते हैं तो रिजल्ट नहीं आता, ये जितना डालें उतना रिजल्ट आता है, और चबीनेस कम होती है हर सेशन में, पेशेंट जा सकते हैं, ठीक है, इनको बाहर निकाल इजी हो जाए। और मैडम, तो इसके ना इसमें रिजल्ट देखने में क्या इमीडिएट रिजल्ट होते हैं, विद इन 3 डेज आएंगे, विद इन कब आएंगे? सर रिजल्ट 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट बताना शुरू कर देता है कि मुझे कुछ कम लग रहा है, मगर रिजल्ट अपेयर होते होते टाइम लगता है। पेशेंट को जब हम 10 डेज के बाद बुलाते हैं तो कई दफा रिजल्ट मिल भी जाता है, कई दफा रिजल्ट नहीं मिलता, मगर क्योंकि 2 सेशन के बाद तो बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आता है, 1 सेशन के बाद कई दफा नहीं भी रिजल्ट नजर आ रहा होता, इसलिए पेशेंट को पहले ही बताना है कि मैं एक इसको सेशन के रिजल्ट को रिजल्ट ना देखे, और वो रिजल्ट नहीं होगा, पेशेंट को कोई हाई होप्स फौरन नहीं देने, उसे कम अज कम 3 से 4 सेशन का जरूर कहें। मुझे इसकी सबसे बुरे वाली कोई कॉम्प्लिकेशन अगर है तो वो बताएं मैडम, सबके लिए। सर वैसे मैंने काफी फैट डिसॉल्विंग लगाए हैं, कोई अभी तक फिलहाल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं मिली, कॉम्प्लिकेशन नेक्रोसिस ही होती है, वो तभी होती है जब सुपरफिशियल लगा दिया जाए, और ब्रूज बनते हैं, ब्रूज कॉम्प्लिकेशन वो भी कोई हाई नहीं है, डेट कैन बी यू कैन से कि वो एक सिंपल सा, एक जब भी कोई निडल जाएगी तो ब्रूज तो बनेगा, ब्रूज बनते हैं, वो निडल एंट्री पॉइंट पे बनते हैं ब्रूज, स्वेलिंग हो सकती है, और कंट्राइंडिकेशन रिएक्शन फिलहाल इसने देखा। ऐसी है, जी सर कंट्राइंडिकेशन जैसे डायबिटीज, कोई कोई सा पेशेंट को कंट्राइंडिकेशन वाला है इसके? सर प्रेगनेंसी लैक्टेशन तो है ही है, और ऐसे पेशेंट से डायबिटीज वालों में यस इन्फेक्शन, देख मना नहीं है डायबिटीज पे भी, मगर इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, वो ख्याल से लगाना चाहिए। मेरे जहन में तो ऐसी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन अभी नहीं आ रही, कंपनी बता सकती कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन बताई भी आप लोगों तो कुछ नहीं है, मैं बस पढ़ी नहीं है इस सारे प्रोटोकॉल में, आपको शेयर कर दूंगा, आप को? बाकी ग्रुप में शेयर कर ठीक दो। है, वो शाजो कह रहे हैं कि वो आप हमें ना ब्रोशर भी दे देंगे और इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन की लिस्ट दे देंगे, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, फिलहाल मेरे जहन में तो ऐसी मुझे कोई बताएं, लेमन कॉन्ट्राइंडिकेशन बाटर नहीं क्या है। सिर्फ शाजो ही बना रही है, या कि बाकी कंपनी भी कोई यही इंग्रेडिएंट के साथ कुछ चीजें लॉन्च हुई हैं, या सिर्फ और सिर्फ यही पाइनियर्स हैं इसमें? जी समझ नहीं क्या सर काइंडली दोबारा बोलिएगा के लेमन बाटल सिर्फ और सिर्फ आप ही बना रहे हैं, या कि कोई और कंपनी भी ऐसी है आपकी कंपटीटर हैं, या इसका सिर्फ आपने ही लॉन्च किया ये? हाँ जवाब आपको मौजम जी, ने मैं देंगे। बताता हूँ सर कि हमारे पास सोल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे अलावा किसी और बंदे के पास, किसी और वेंडर के पास ये नहीं अवेलेबल होगी। और अगर कोई आपको अप्रोच करता भी है तो आप जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि ये बेसिकली तो कोरियन प्रोडक्ट है और कोरिया से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, और सिर्फ हम ही इसके सोल डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, कोरिया में भी लेमन बॉटल के नाम से, यूके में भी बिल्कुल यही? सर, इंस्टा के ऊपर लेमन बॉटल लिखेंगे तो इनका ऑफिशियल पेज आ जाएगा, और इन्होंने ऑफिशियल पेज पे अनाउंस किया हुआ कोरिया है वाला ही और जाता है। टैग लगाया हुआ है, शाजो एसपीएल कंज्यूमर हेल्थ केयर इज द सोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेमन बॉटल। ठीक है, बहुत डॉक्टर शुक्रिया। बाकी मेंबर को मेरा, अगर क्वेश्चन पूछना चाहे, डॉक्टर अपना मेरा एक माइक क्वेश्चन अनम्यूट है, करना बैठ सकते। ये ऑफ लेबल इंडिकेशन है, ये लाइसेंस नहीं, मगर दिस इंडिकेशन मैंने ये लगाई भी, काम भी करती है, और ये की जा सकती है, मेरी बनाई हुई नहीं है, इसकी वीडियोस भी हैं। अब ये है कि यहाँ पर क्लेंच करो, मुझे पेन दे दे, पेंसिल वाइट, यहाँ पर तो हरगिज नहीं लगाना, देयर इज नो क्वेश्चन, चीक, अगर देखिए एज के साथ, एजिंग के साथ चीक फैट कम होना ही है, हर एक का कम होना है, हमने परमानेंट चीक फैट नहीं खत्म करना। अब आते हैं नीचे, क्लेंच करें, ये क्लेंच करें, यहाँ पे जो मैंडिबल का बॉर्डर आ रहा है ना, यहाँ से फेशियल आर्टरी निकलती है, ठीक है, साथ ही मार्जिनल मैंडिबल नर्व भी है, इस एरिया को छोड़ के ये जो जाउल एरिया है, यहाँ पर आप आराम से अच्छा, यहाँ 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 फैट के लिए लगा सकते हैं, प्री जॉल एरिया में हम लगा सकते हैं इसको। मैक्सिमम कितना लगाना चाहिए अगर लेमन बॉटल यूज करते हैं तो? कितना कितने ML प्री जाओ एरिया में?
मैम प्री जाउल एरिया में मैक्सिमम कितना लगाना है अगर लेमन बॉटल यूज करते हैं लगा तो? सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है फैट कितनी है, आप यहाँ पे 3 से 4 cc आराम से लगा सकते हैं। मुझे भी और 5 लेना दो। एक्वालेक्स या वो लगाएं तो वो कितना मैक्सिमम? वो कम लगाते हैं उसका तरीका, पॉइंट तकरीबन ऑलमोस्ट वो जो एक्वालेक्स और फैटेक्स होता है ना, या यहाँ पे तो काइबेला नहीं मिलता, फैटेक्स मिलता है, वो हम तकरीबन 2 से 3 cc पूरा डबल चिन पे हमने लगाना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे 0.3 0.4 इज ओके। ठीक। और मैम नीडल की डेप्थ कितनी ले जाए, बिकॉज मसल भी है यहाँ पे तो यहाँ एंड पे तो वो आप हाफ। इंसुलिन वाली छोटी नीडल रखे, कुछ भी नहीं होता, इंसुलिन वाली जो ब्राउन वाली इंसुलिन की के साथ आती है ना, वो 8 mm की होती है, डेट्स इनफ। राइट राइट, थैंक बट यू सो इसमें मच फैट मैम। होना चाहिए, फैटी हो, पता पतले बंदे को नहीं लगाना आपने यहाँ पे। जी, मैडम को एस्पिरेट तो नहीं करना? और अगर ये इंट्रावेस्कुलर या इंट्रावीनस लग जाए फिर क्या होगा? वैसे कुछ भी नहीं होता, एस्पिरेट करना की कोई इंडिकेशन नहीं है, ये वहां पे जाने से कुछ भी नहीं होता इसको। मैडम ये मैम जो एक लोअर एब्डोमेन में जो इंजेक्ट करना है उसकी नीडल साइज बता दें। वो 27 गेज, 25 गेज, इवन 23 गेज भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि लेंथ मैं आपको बता देती हूँ लेंथ कितनी होनी चाहिए। मैं एक मिनट नीडल दिखाती हूँ, मेरे पास शायद होगी नीडल, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो फिलर के साथ नीडल आती है, पैक नीडल आती है, ये 27 गेज और 15 mm लेंथ की है, ये ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। ये वाली जो नीडल है ना, तकरीबन 13 से 15 mm की आप यूज कर सकते हैं, अगर कहीं फैट पॉकेट ज्यादा है तो इससे भी लंबी यूज हो सकती है, बॉडी पे, फैट फेस पे नहीं, बॉडी पे। हाँ 16 से 26 और 16 ये उससे भी लंबी है, दैट इज 16 16 mm और कितने 26 गेज की है, 26। ये उससे ये भी यूज हो सकती है, मतलब आप डिपेंड करता है फैट पॉकेट्स कितने हैं। फैट पॉकेट अगर बहुत ज्यादा फैट पॉकेट है तो 15 16 mm ठीक है, कम फैट पॉकेट्स हैं तो 12 से 13 mm, और फेस के लिए भी ऑलमोस्ट अगर बहुत फैट पॉकेट्स हैं तो हमें इतना यूज करने का, 12 से 13 mm यूज करनी पड़ेगी। और जो जिसकी फैट पॉकेट्स डबल चिन के कम है उसके लिए आप 8 mm, 8 mm के थोड़ी कम है, मगर बिल्कुल थोड़े फैट जहाँ पॉकेट्स हैं तो 8 से 10 mm। ये जो इंसुलिन की ब्रन वाली आती है ना, छोटी नीडल है, ये लेंथ छोटी, अभी जो मैंने पेशेंट को लगाया था ना, ये 13 mm की लेंथ की मैंने लगाई थी। मैडम इसकी प्राइस कितनी है? जी कंपनी प्राइस बताएं, कंपनी प्राइस बताएगी आपको प्लीज। मैम इसकी प्राइस है, अगर आप एक वॉयल लेती हैं जो 10 mm एक वॉयल है वो आपको कॉस्ट करेगी 18,000। और कंपनी ने एक प्रोटोकॉल रखा है, अगर आप फुल बॉक्स लेते हैं तो वो 80,800 का आपको पड़ेगा, और जो आपको एक वॉयल की जो कॉस्ट पड़ेगी वो 16,000 होगी, जिसमें 5 वॉयल्स होती हैं एक बॉक्स में। अगर आप बॉक्स लेती हैं तो आपको 16,000 कॉस्ट करेगी, और अगर आप इंडिविजुअली सेपरेट एक वॉयल लेती हैं तो आपको 18,000 कॉस्ट। आदिया कैन वी यूज इट ऑन लाइपोमा, लोकलाइज्ड लाइपोमा? प्लीज रिपीट कीजिएगा। हेलो, ये लोकल जो लाइपोमास बने होते हैं डिफरेंट एरिया में, कैन वी यूज इट फॉर दैट? आई एम नॉट दैट इज श्योर, आल्सो अ लाइपोमा कलेक्शन ऑफ को फैट ना? एक्साइज ही करना चाहिए, उसको निकालना ही चाहिए, मैं इसके बारे में कोई कमेंट कर नहीं सकती, मेरा ख्याल बाकी जो सीनियर कॉलीग्स हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। असल में कुछ बड़े लाइपोमास होते हैं ना जिसके लिए बहुत बड़ा वुंड बन सकता है, तो इसलिए वो अगर तो आप पीपल, बिल्कुल आपको पता है एग्जैक्टली कि वो नाइफ आपको को यूज पता होना करते चाहिए हैं। कि एग्जैक्टली उसकी स्पेस में जाए तो डालने में नुकसान तो कोई नहीं, डाल तो सकते हैं, मगर एग्जैक्टली बॉडी ऑफ लाइपोमा में जाना चाहिए, मगर मैं इसके बारे में कोई ज्यादा कमेंट ना करूं तो बेहतर है, क्योंकि मेरा मुझे इसके बारे में पढ़ा नहीं, लिटरेचर तो गलत बात नहीं बतानी चाहिए। चलो सही है, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन है, वो फिलर्स में आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हम इंफ्रा ऑर्बिटल फॉरमेन को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं व्हेन यू आर इंजेक्टिंग फिलर्स, बिकॉज वो थोड़ा एक रिस्की एरिया होता है, जी तो
सिर्फ देखिए उसका क्या पॉइंट है कि सबसे पहले आपको इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन की पोजीशन का पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है, ठीक है। वो मिड पिपिलरी लाइन से ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर डाउन है ऑर्बिटल रिम से। अगर आप देखेंगे ऑर्बिटल रिम से नीचे जाए जाए तो 0.8 to 1 ये जो है ना सेंटीमीटर डाउन होता है। सेकेंडली अच्छी बात ये है कि ये गहरा है, ये बाहर की तरफ नहीं है, ये अंदर की तरफ है, तो बहुत हद तक ये अवॉइड हो जाता है। क्योंकि जब आप ऊपर ग्लाइड करते हैं तो हम सीधा होते हैं, इसकी शेप ऐसी है कि ये नीचे की जानब से निकल रहा है, तो अवॉइड जनरली हो जाता है। सेकेंडली फिर मैंने एंट्री पॉइंट बिल्कुल इधर इसीलिए नहीं बनाया था कि मैं एग्जैक्टली फोरामेन के अंदर ना चली जाऊं, मैंने एंट्री पॉइंट लेटरल बनाया था। और अगर आप मिडल से भी डालेंगे तो आपने सीधा यहाँ पे ऑर्बिटल रिम के ऊपर डालना है, तो आपका तो फोरामेन वैसे ही वहां से बिल्कुल आपका सरपास हो जाएंगे, मसला ही कोई नहीं वहां पे। तो राइट, थैंक यू सो मच. इट वाज अ वंडरफुल लेक्चर एंड थैंक यू. थैंक यू सो एक्सक्यूज मच, मी थैंक मैडम, अस्सलाम यू सो वालेकुम. मच। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैन यू हियर मी? जी जी आई कैन हियर यू। मैडम, आई हैव अ क्वेश्चन कि अभी तो आपने इसकी चिन के ऊपर हमें डेमोन्स्ट्रेशन दिया है और इसमें आपने इसकी डोज बताई है 7 to 10 ml एटलीस्ट लगाना चाहिए. मेरा जी क्वेश्चन ये है कि हमने हाउ वी शुड चार्ज फ्रॉम द पेशेंट. दिस इज वेरी ये इंपॉर्टेंट. काफी ऑनेस्टली ये कॉस्टली चीज बनेगी। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट रेट क्या है। आइडियली तो ये होना चाहिए कि जितने का आपने बाय किया है आप वाइल उसको डबल में आप उसे चार्ज करें, क्योंकि अगर ये कंपनी हमें सोलह ऑलराइट, हजार की अगर वाइल देती है तो ये कम से कम 30 में तो लगना चाहिए, मगर इतना कोई देता एग्जैक्टली. नहीं है। तो इसका कोई आसान आप पैकेज बना लें कि जी मैं इसमें मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सेशन 30 का ले रही तो मैं हाइफू साथ डबल चिन में फ्री कर दूंगी, तो कोई पैकेज बनाया जा सकता है। अगर आप हाँ डबल नहीं चार्ज करना चाहते तो कम से कम भी आपको एटलीस्ट उसकी प्राइस का हाफ ना मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा ही चार्ज करना चाहिए, वरना तो फिर यूजलेस आपकी मेहनत ही यूजलेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम भी मेरा ख्याल 2500 चार्ज करना चाहिए पर सेशन। सही सही, ठीक हो गया. थैंक यू सो मच मैडम. आई होप आई हैव गिवन ऑल द आंसर्स। बहुत शुक्रिया। अगर आपने कुछ और पूछना हो तो इनशाला आप फॉरम में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं रात को उसको आंसर कर दूंगी। ये हम वीडियो अपलोड करेंगे, एक आध दिन लग सकता है, ये वीडियो अपलोड हो सकती है ना, वीडियो बन जाएगी तो। हाँ बिल्कुल, इसको थोड़ा सा एडिट करके ना फिर अपलोड इनशाला कर देंगे हम आपको फॉरम में, आप उसमें देख लीजिएगा। और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप प्लीज फॉरम में पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जजाकल्ला, थैंक जी, यू, थैंक हैव अ यू वेरी गुड मच मैडम. डे। मैं बस सर को यही बताना चाहता हूँ, जिन लोग जो लोग अटेंड नहीं कर सके, ऑलमोस्ट 100 वाली लिमिट रीच हो गई थी. बाद में लिंक जब डिस्कनेक्ट हुआ तो कुछ लॉस हो गए, तो उन सारे लोगों को हम ये वीडियो जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो जो डैप वाला यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अपलोड कर देंगे जी और ग्रुप में जी भी शेयर कर देंगे उसमें. जी सर और फिर जो क्वेश्चन बिल्कुल हुआ तो मैडम ग्रुप में भी उसको रिप्लाई कर देंगी मेरे ख्याल में. जी सर, मैं आपके साथ कोलैबोरेट कर लूंगी ना, आपको इंशाल्लाह मैं आपके साथ कोलैबोरेशन करके फिर आप जैसे कहेंगे वैसे चलाएंगे, ठीक है। थैंक थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया. यू, ये आपका बहुत ही अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक जजाकअल्लाह, थैंक यू, हैव अ गुड डे, प्लीज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। यू.